गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको प्रॉमिस किया था, आज हम अपना एडवांस अकाउंट्स का बैच शुरू करने जा रहे हैं। एक बार प्लीज़ सब एक बार कंफर्म कर दो, आवाज़ वगैरह सही तरह से आ रही है नहीं आ रही है वॉल्यूम वगैरह के लिए। जल्दी से एक बार बता दो बेटा, सब के पास आवाज़ सही तरह से पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है? बच्चे जुड़ने लग गए हैं भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब भाई? आई होप आप सबके पास वॉल्यूम वगैरह ठीक तरह से आ रही है। आज हम बेसिकली अपना एडवांस अकाउंट्स का बैच शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये मेरी ऐप के ऊपर होना है, लेकिन अभी इनिशियली हम इसको यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं साथ साथ। तो बेसिकली हम आज पार्टनरशिप के टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप सब पार्टनरशिप, जो बच्चे पुराने बच्चे हैं मेरे, वो भी इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। बेटा अब अभिषेक, मैं यहाँ पर आज जुलाई एग्जाम होंगे या नहीं होंगे वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन फिर भी अभी तक तो उम्मीद है कि हो जाएंगे। आईसीआई की पूरी तरफ से पूरी कोशिश है, और कल बाबा रामदेव जी ने भी अपनी तरफ से एक दवाई निकाली है, तो अच्छी बात है। उससे भी लग रहा है कि अगर ऐसे वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर तो एग्जाम हो जाने चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? नहीं रवि बेटा, पूरा एसी चला के अच्छे से कर रहे हैं, कोई गर्मी नहीं लग रही, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग उत्तम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग प्रीति। सबके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास धीरे धीरे करके। अजीत, जय माता दी बेटा, जय माता दी। तो गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ। तो आज से स्टार्ट करेंगे बेसिकली एडवांस अकाउंट्स के बारे में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, अपना जितना जल्दी हो सकेगा शुरू करने की कोशिश करेंगे। यस कोहिनूर, इंडिया ने दवाई बनाई, और लिटरली बहुत ही बड़ी बात है, और इसका बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है हम सबको, बस ये एक बार सक्सेसफुल रहे। बाबा रामदेव तो प्रॉपर तरह से अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि अच्छा लग रहा है। थैंक यू नितेश, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फरहान। एक बार सब जल्दी से अपनी गुड मॉर्निंग करो मेरे साथ। हेलो जतिन, सुबह सुबह अभी उठे हो या फिर पहले से उठे हुए थे? आदत छूट गई होगी ना मॉर्निंग क्लासेस में आने की, आराम से उठते होगे 10 10 11 12 12 बजे, है ना? अभिषेक मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर दवाई सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि एग्जाम अगर इस बार ही हो जाए तो। पतंजलि का शेयर खरीद लो। जतिन यस बेटा, वो जो हमारा ईसॉप वाला लेक्चर है वो हमारी गूगल ड्राइव के थ्रू पहला लेक्चर आएगा, और जो लाइव क्लासेस शुरू होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पार्टनरशिप से शुरू होगा लाइव। तो मैं इवन पूरा ईसॉप दोबारा कराऊंगा लाइव के बेसिस पर भी, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके लिए लाइव कैसे हो चलेगा कैसे नहीं चलेगा, तो उस चीज़ की टेंशन ना लो, कोर्स पूरा ही होगा आपका। फरहान कह रहा है मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छे से रिविजन करते हो मतलब उठ के, गुड, बिल्कुल सही है बेटा। टाइमिंगली अपना प्रॉपर टाइमिंग पे उठोगे तो बेटर रहेगा इसके हिसाब से, और पूरा एक शेड्यूल बना रहेगा प्रॉपर तरीके से। सो ग्रुप वन आप सबकी कोचिंग वगैरह खत्म हो चुकी है अब? ग्रुप वन तो किसी का पेंडिंग नहीं? आई होप कि आप ग्रुप वन अब तक खत्म कर चुके होंगे सब, और अब ग्रुप टू के रिगार्डिंग हम शुरू करेंगे यहाँ से। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस बैच के अंदर आपका नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए और मई 21 के बच्चे आराम से भी देख सकते हैं। एज सच आप जानते हैं कि एडवांस अकाउंट्स के अंदर कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं आते हैं, तो जो अब हम पढ़ेंगे ये आपका इस अटेम्प्ट के लिए नवंबर 20 के लिए और मई 21 के लिए इजीली एप्लीकेबल होगा। इन केस फ्यूचर में भी कोई अगर अमेंडमेंट आती है तो वो भी हम आपको यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे,
और जो हमारी ऐप के ऊपर जब क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी तो हमारी ऐप के ऊपर भी आपके पास जो फैसिलिटी है मैं बता दूं आपको, एक आप लाइव देख सकते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं, ऑल दो अभी हमने ऐप के ऊपर डायरेक्टली आज नहीं डाला है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से डालेंगे। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं क्या करूंगा, उस ऐप का लिंक डाल दूंगा, तो आप सब डाउनलोड कीजिएगा। आप सबके लिए फायदे वाली बात यह है कि उसके अंदर टेस्ट पेपर्स वगैरह जो होंगे वो भी सब अपलोड होंगे, RTP MTPs वगैरह वगैरह सब वहां पर आएंगे। तो इस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहिएगा कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी चीज़, जो बच्चे मुझसे ऐप पे अभी लाइव पढ़ने वाले हैं, आपको बता दूं कि जब मैं बैच खत्म हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके अटेम्प्ट के लिए, आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर 20 है उसके लिए या फिर मई 21 है उसके लिए, दोनों के लिए मैं आपके लिए क्या दूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मिलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिलती है, और उसके अंदर आप वो सारे के सारे रिविजन पैटर्न को मेरे अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। दूसरी चीज बता दूं कि ये बैच जो हम शुरू कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मैं स्क्रीन लेकर आता हूं प्रॉपर तरीके से, बेटा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका June 24 यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके जो टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे 11:30 to 2 जी, 2.5 घंटे की क्लास रहेंगी, 11:30 से 2 बजे के टाइमिंग्स रहेंगे। जो इसके डेज रहेंगे वो मंडे टू सैटरडे रहेंगे, यानी कि हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होंगी आपकी। और जो बैच की एंडिंग होगी, बैच एंडिंग जो होगी हमारी, वो हमारी होगी 31 अगस्त। ऑल दो मैंने 31 अगस्त भी डेज जो हैं वो आगे के रखे हैं, कोशिश ये रहेगी कि उससे पहले ही ख़त्म हो जाए, मैंने फिर भी 2-4 दिन का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, कोशिश ये करूँगा कि 31 अगस्त से पहले ही ख़त्म कर दूँ। तो कोशिश 31 अगस्त के रिगार्डिंग ही चलेगी। अराउंड 60 to 65 लेक्चर्स का हमारा ये कोर्स कंटेंट रहेगा, जो 2.5 आवर्स का रहेगा। इस 2.5 आवर्स के अंदर बेटा मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि ब्रेक दूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे की क्लास हम वैसे नॉर्मली भी करते आए हैं पहले भी, तो ये यहाँ पर भी इजीली अवेलेबल हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैच स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये शेड्यूल रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूँ, बैच 24 जून आज से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग्स इसके 11:30 से 2 बजे के हैं, डेज आपके मंडे टू सैटरडे, 2.5 घंटे का टाइमिंग होगा, और उसके अलावा जो एंडिंग होगी वो 31 अगस्त के लिए है। आपको इसके अंदर 2 बुक्स दी जाएंगी जो कि लेटेस्ट होंगी, लेटेस्ट का मतलब आपका जो भी लास्ट एग्जाम हुआ, याद है आपको लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ था बच्चों का, नवंबर 2019 तक का, उस तक के एग्जाम क्वेश्चंस आपकी बुक में अवेलेबल होंगे। तो आपको इस चीज को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी बुक कैसे होंगी। अच्छा, ये दोनों की दोनों बुक्स जो हमारे रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनके पास होम डिलीवर की जाएंगी, आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। उसके लिए जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती हैं तब तक आपको PDF ग्रुप में शेयर की जाएगी आपके साथ। जो जो बच्चे हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अरिबन, उन सब बच्चों की हमने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं, हम ग्रुप बनाएंगे उनके, और उन सब में बच्चों को ऐड करने के बाद एक PDF शेयर करेंगे जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जब तक आपके पास बुक नहीं पहुंचती है तो आप वहां से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2 बुक्स आपकी हो गई, फिजिकल कॉपी बुक्स, दूसरा उसके अलावा जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो भी लाइव ऐप के ऊपर ही होगा जी। हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट हुआ करेगा 1 घंटे का, जो लाइव ऐप के ऊपर ही होगा, और उसी के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी उसी वक्त डिस्कस की जाएंगे उसी क्लास के अंदर, ताकि इस तरह की दिक्कत कोई ना ही रहे आपके साथ, ठीक है। उसके अलावा बैच एंड होने के बाद आपके रिविजन लेक्चर्स, वैसे ऑल दो तो हमारे रिविजन लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर हमें चाहिए होगा रिवीजन के लिए, तो वो रिवीजन लेक्चर की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अगर हमें लगता है कि हमें कोई रिवीजन मैराथन की जरूरत है तो वो भी लाई जाएगी, पहले भी हम ला चुके हैं पास्ट में, और इस वक्त भी हमने कोशिश कर रहे हैं। मैंने इवन कल शाम को भी बच्चों के लिए अमलगमेशन चैप्टर की रिवीजन कराई थी, जो कि एक चैप्टर बेसिस पर चलता है हमारा, तो हम इसी के बेसिस पर अपना कोर्स पूरा खत्म करने वाले हैं। आपका नवंबर 20 हो
या May 21 हो, आपके दोनों अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। और इन केस अगर आप बाद में भी एग्जाम देते हैं तो टिल द टाइम जो भी अमेंडमेंट आएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल की जाएगी। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? तो क्या हम अपने कोर्स के बारे में शुरू करें? अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे का टाइम मिला है इसके अंदर, और 2.5 घंटे के अंदर मुझे अपने कोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली बेसिस पे कराना है। ठीक है, सो मैं एक और चीज बता दूं आप सबको, ऐप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो आप, जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के बच्चों ने डाउनलोड करनी है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। ये आज शाम तक आप सबके पास अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आप इसको डाउनलोड करके हमारे वहां पर दिए गए जितने भी टेस्ट पेपर वगैरह अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर, आप उन सबको यूज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप हमें जो यूज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है। सो जी, अब बेसिकली मैं बात करता हूं अपने पास हमारे एडवांस अकाउंट्स के कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो आप सबको मिल चुकी है। हाँ, एक चीज और देनी है बेटा, आपके पास जो भी डाउट्स का नंबर वो आपके लिए जो अवेलेबल रहेगा, कोई भी इन्फो अगर कर लेनी है आपको, कोई भी डिटेल आपको लेनी है, तो वो आप इस नंबर पे डिस्कस करके ले सकते हैं। डाउट नंबर है और कोई इंक्वायरी नंबर है, तो डाउट और इंक्वायरी नंबर आपके लिए यही है दोनों चीजों के लिए। उसके अलावा अगर आप कोई मेल आईडी हमें देना चाहते हैं, हमारी तो जीमेल आईडी है, वो है jtcinfo88@gmail.com। ठीक है बेटा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन, इवन जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए उनके पास मेल भी इसी आईडी से आई होगी, तो jtcinfo88@gmail.com। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह है इस चीज के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका बता दूं, आपके रिगार्डिंग आपको एक लाइव लेक्चर मिलेगा और एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं कभी भी, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तब आपका उसका वो राइट खत्म हो जाएगा, अदरवाइज एक लाइव के साथ एक रिकॉर्डेड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इन केस अगर आपको कोई इस चीज के रिगार्डिंग कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, वरना हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर अब कोई और फिलहाल डाउट तो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो बेटा मैं आपको अपने एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में बता दूं पहले। एडवांस अकाउंट्स का 100 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है, और इस 100 मार्क्स के सिलेबस के अंदर बेटा दो पार्ट, जैसे ग्रुप वन के अकाउंट्स में होते हैं इसी तरह से एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी दो पार्ट हैं, जो कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, चैप्टर्स की अगर बात करूं तो चैप्टर्स बेटा इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन नंबर वाइज कम है, बट थोड़े से लेंथी वाइज ज्यादा है। तो मैं सिंपल से अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, कि जैसे मैंने अपने पास बुक में रखे हुए हैं, तो मेरे पास सबसे पहला जो एक टॉपिक होता है वो मिसलिनियस कंपनी अकाउंट्स का है। और इससे पहले जो हमारे चैनल के ऊपर एक लेक्चर वन डाला था जो मैंने लेटेस्ट रिकॉर्ड किया था अपने बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर भी हमने उसी टॉपिक से शुरू किया हुआ है। इस मिसलिनियस कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक के अंदर बेसिकली तीन टॉपिक कवर होते हैं। एक होता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इससे पहले एक और टॉपिक हुआ करता था अंडरराइटिंग्स का, जो कि अब कोर्स से हटा दिया गया है। अगर किसी के पास हमारी गूगल ड्राइव के अंदर वो क्लासेस थी, पहले वाली क्लासेस थी, तो वो अब अंडरराइटिंग का टॉपिक आपको नहीं करना होगा। उसके अलावा बेटा यहां पर आपका कवर होता है आपका बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में, और उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और भी है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक हैं, और एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर बोलूं तो ये 5 मार्क्स और ये 10 मार्क्स।
तो मैं करीबन 10 to 15 मार्क्स की एवरेज मानता हूँ मिस्टीनियस कंपनी अकाउंट्स की। एक बार भी एग्जाम में अभी तक ये नहीं आया है, 0 मार्क्स में लिख रहा हूँ क्योंकि अब तक एक बार भी एग्जाम में नहीं आया है। एग्जाम में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास मिस्लिनियस कंपनी अकाउंट्स है। सेकंड, आपके पास जो चैप्टर है उसके अंदर आप कह सकते हैं एक तरह से हमारे पास बैंकिंग कंपनी का है। बैंकिंग कंपनीज भी काफी स्कोरिंग एरिया में आता है, 5 से लेकर 15 मार्क्स तक। जब ये पहले ओल्ड कोर्स था, आईपीसीसी था, तो उस टाइम पे यहाँ पर ये एग्जाम के अंदर 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 16 मार्क्स में मुश्किल नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन के 3-4 पार्ट इस तरह से पूछा गया है। थर्ड हमारे पास है, ऑल्दो आईसीआई ने अलग अलग बनाए हैं लेकिन मैंने कंबाइन कर रखे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड उसके अलावा जो टॉपिक कवर होता है वो अमलगमेशन के नाम से है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके इस तरह से कवर होते हैं। और अगर मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 15 मार्क्स, इवन 10 मार्क्स में भी आया हुआ है, 10 से 15 मार्क्स, और इसका मोस्टली 15 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। अच्छा, ज्यादातर पैटर्न कैसा है इस चीज को लेकर कि एक अटेम्प्ट के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता है, एक अटेम्प्ट के अंदर आपका अमलगमेशन वाला टॉपिक आता है। अब एग्जाम में कौन सा आएगा वो हम जब पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सीख लेंगे, अदरवाइज अभी तक आपके सामने ये ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं बेटा आपके पास 4th पॉइंट में। और हमारे पास जो यहां पर एक चैप्टर आपका कवर होगा वो है किस चीज का, वो हमारा पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप बेटा फिर से 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज रखता है, जो कि बेसिकली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे एक टॉपिक है वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज भी मोस्टली एग्जाम के अंदर 5 से 10 मार्क्स तक की वेटेज का आता है। उसके अलावा आपके पास जो 6th है, 6th में क्या है वो है आपके पास कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर यही है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि बेसिकली होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज की अकाउंटिंग की बात करता है। एग्जाम के अंदर 5 से लेकर 15 मार्क्स तक की वेटेज है, 20 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है अगर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं करने के लिए तो। उसके अलावा बेटा 7th जो हमारे पास है, एक लास्ट छोटा सा चैप्टर है बेटा एनबीएफसी का। एनबीएफसी का मतलब यहां पर क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी अकाउंटिंग के बारे में है। मोस्टली 5 से 10 मार्क्स, और मोस्टली ज्यादातर जो एग्जाम में आती है वो थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल भी आया हुआ है, तो इस चीज को लेकर बेफिक्र रहिएगा। सो चैप्टर्स को लेकर मैंने लिस्ट लिख दी है, किसी को अगर इस चीज की डाउट है तो मुझे बताइए। रवि बेटा एप्स जो है अभी आज शाम तक ऐप स्टोर पे आ जाएगी, वो अपडेशन में है इसीलिए आज अब तक नहीं आ पाई है। सर बेटा जतिन बेटा कोशिश ये रहेगी कि मैं पार्टनरशिप के शुरुआत के लेक्चर्स इसमें डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। सर हमने आपकी पूरी क्लासेस पूरी की हैं, उसके साथ बुक नहीं आई है, तो सर बुक कैसे ऑर्डर करें? फरहान अगर आपके पास बुक नहीं आई है तो आप मुझे मेरे जो पर्सनल मैसेज है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। सर फाउंडेशन की क्लास कब लाओगे? फाउंडेशन की क्लास बेटा हमारी कुछ दिन चली थी, हमने कुछ 2-3 चैप्टर अपने यूट्यूब पे लाइव कराए हैं उस चीज के रिगार्डिंग। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच अतिश, थैंक यू बेटा, थैंक यू अतिश। मोहित सर जहर लग रहे हो बेटा, जहर लग रहे हो क्या करते हो, ऐसे टाइम पे वैसे बुरे हालात चल रहे तो मुझे जहर बना दो। हाँ चलो अब आते हैं बेटा हमारे पास इधर की तरफ, एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना, चैप्टर्स कितने हैं आपके, करीबन 7 चैप्टर्स हैं, जो करीबन 75 to 80 मार्क्स कवर कर लेते हैं, 75 to 80 मार्क्स कवर कर लेते हैं। और अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपके पास टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यहां पर आप ध्यान से मैं लिखना, सबके नाम लिखने जा रहा हूं बेटा, AS4 है, फिर हमारे पास AS5 है, मैं सबके AS के नाम तो नहीं लिख रहा, नंबर्स लिख दो फिलहाल, जब हम AS के कोर्स को करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। AS7 है बेटा, AS9 कवर होगा, 10-11 आपके ग्रुप 1 के अंदर है, 12 ग्रुप के अंदर है, 13 ग्रुप के अंदर, 1 ग्रुप 1 के अंदर है। उसके अलावा बेटा AS
14 यहाँ कवर होता है, 15 आपके कोर्स में ही नहीं है, 16 आप ग्रुप वन में कर चुके हैं, उसके बाद 6 ऐसा है जो AS17 है, ये ग्रुप वन से शिफ्ट होकर यहाँ पर आया है, पहले ये ग्रुप वन में था सेगमेंट रिपोर्टिंग। उसके बाद बेटा 7th में आते हैं आप, AS18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, फिर 8th आपके पास बेटा AS है 19 लीज अकाउंटिंग का, 9th आपके पास है AS20 अर्निंग पर शेयर का, 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके पास AS22 जो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम का, बेटा ये वाला भी ग्रुप वन से शिफ्ट होके आया है, ये भी पहले ग्रुप वन में था, ये जो ऊपर गया है ये भी ग्रुप वन में था, और उसके अलावा बेटा ये दोनों भी ग्रुप वन में थे, यानी कि ग्रुप वन से चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल कर ग्रुप टू में आ गए हैं, और एक पार्टनरशिप का चैप्टर तो आया ही आया, यानी कि ग्रुप वन का कोर्स करके ग्रुप टू में डाला गया है, और उसके अलावा बेटा हमारे पास जो है और एक AS24 है, एक 12th में हमारे पास AS26 इंटेंजिबल एसेट्स का है, और उसके अलावा बेटा हमारे पास एक 13 है जो AS29 है। तो 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और 7 आपके चैप्टर हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको बोलूं ग्रुप वन के कंपैरिजन में ग्रुप टू में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा हैं, जो कि करीबन आपके 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये मैं कम से कम बोलूंगा 25 से 30 मार्क्स तक आराम से कवर करते हैं, यानी कि 25 से 30 मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका जो कोर्स कंटेंट का पार्ट है वो इस तरह से चलेगा। मैं एक बार आपके सामने फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, बच्चों के डाउट्स ले लेता हूँ, जो भी कुछ अगर है तो आप मुझे बताइए, फुल स्क्रीन पे आपके लेके आ रहा हूँ, ये लीजिए जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा। बेटा और नीचे कर दूं, किसी बच्चे का कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो इस चीज के रिगार्डिंग। तो बेटा आई गेस आप सबने नोट कर लिया होगा यहाँ तक का पूरा। अब हम अपना प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरा का पूरा। आज की पूरी क्लास हमारी पार्टनरशिप के टॉपिक के रिगार्डिंग होने वाली है।
चलिए बेटा, तो फिर अब मैं स्लाइड चेंज करता हूं, अब आपके साथ पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू करते हैं। आप सब अपने पास हेडिंग डाल लेंगे बेटा पार्टनरशिप की, आप साथ साथ लिखेंगे बेटा मेरे। अब पार्टनरशिप, अब मैं कुछ पॉइंट्स के बाद आके रुका करूंगा और आपके जो भी डाउट वगैरह हैं उन सबको आपसे आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो अब आपके सामने पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप एग्जाम के लिए 15 to 20 marks लास्ट नवंबर 19 के एग्जाम के अंदर भी ये 20 मार्क्स में आए और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, और वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वो काफी टाइम के बाद एग्जाम में आया, तो होपफुली इस बार से जब हम करेंगे तो वो एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में डालूंगा, और इसके अंदर भी आपका क्या क्या चीजें कवर होंगी वो आप समझेंगे। पहले पार्टनरशिप बेटा मैं आपको याद दिला दूं, ये पार्टनरशिप आपकी वो 12th class वाली नहीं है। 12th class याद है आपको, 12th class में से क्या पढ़ा था आपने? 12th class में कभी आपने पढ़ा था फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपका गुडविल वैल्यूएशन कैलकुलेशन था, उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक और टॉपिक भी था डिसोल्यूशन का। यस, डिसोल्यूशन का टॉपिक था। और आप जो सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो ना, सीए फाउंडेशन के अंदर बेसिकली आपने क्या पढ़ा था? सीए फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा था एडमिशन तक, रिटायरमेंट तक और डेथ तक। उसके आगे की पार्टनरशिप पहले ग्रुप वन में थी लेकिन अब ग्रुप टू में शिफ्ट कर दी गई है। तो ग्रुप टू के अंदर वही पार्टनरशिप का पार्ट शुरू होगा जो हमने नहीं पढ़ रखा है। तो बेटा आपके जो प्रैक्टिस टॉपिक्स हैं, टॉपिक बोलूं या प्रैक्टिकल टॉपिक बोलूं, तो वो आपके हैं कौन कौन से? पहला, सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा किसके बारे में? इंसॉल्वेंसी के बारे में। इंसॉल्वेंसी वर्ड आप सब लोगों के लिए नया नहीं है, और कुछ बच्चों ने तो ये बीकॉम में पढ़ भी रखा होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ या फिर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, हर्ष अग्रवाल बेटा मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बातें बताई हैं कि आपका सिलेबस क्या है ग्रुप टू का पूरा, तो आप देख सकते हैं उसे बाद में आसानी से। थर्ड बेटा आपके पास एक टॉपिक आएगा जो कि है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का पीसमील मेथड है बेसिकली। उसके अंदर हम सीखते हैं कि रियल लाइफ में आपके किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया जाता है। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ, उसके बाद है आपके पास अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स का अमलगमेशन किया जाएगा, और उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आपके पास है वो है बेटा सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, या मैं कह सकता हूं एक तरह से आपने अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। तो ये पांच प्रैक्टिकल टॉपिक हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। एग्जाम के अंदर इन पांचों में से कोई भी आ जाता है, लेकिन वो कौन सा आता है उस चीज को हम काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करना आपके लिए सबको ही होता है। अगले अटेम्प्ट में कौन सा आ सकता है उस चीज के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके एग्जाम के लिए हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो यहां पर एग्जाम पर्पज से थ्योरी का टॉपिक है, थ्योरी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप के अंदर थ्योरी आती है बेटा, और थ्योरी के लिए एक बहुत ही सिंपल अगर मैं बोलूं तो क्या है? एलएलपी।
यस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट LLP 2008, उसकी थ्योरी एग्जाम के अंदर आती है। ये जो कवर होता है, ये कवर होता है 15 मार्क्स में, और जो ये थ्योरी आती है, ये आती है 5 मार्क्स में। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, CA इंटर के अंदर इन्होंने अभी तक थ्योरी पूछी नहीं है। आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो और भी अच्छी बात है आपके लिए। तो लेकिन जो पिछली बार जो इन्होंने पूछा इंटर के अंदर, उसमें इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने दोनों प्रैक्टिकल पूछे, यानी कि 20 मार्क्स में टॉपिक आया और दोनों प्रैक्टिकल आए। अब दोनों प्रैक्टिकल में कौन सा आया बताऊं आपको, एक तो आया इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर नवंबर 19 में, ये टॉपिक कितने मार्क्स का आया, 15 मार्क्स का आया। और उसके अलावा यहां पर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेथड है MLM, मैक्सिमम लॉस मेथड, ये आया 5 मार्क्स में। ये दोनों टॉपिक नवंबर 19 में एक साथ आ गए, 20 मार्क्स के अंदर चैप्टर को कवर कर लिया इन्होंने। तो बेटा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा रखा है, एक बार आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल टॉपिक के रिगार्डिंग। लीजिए जल्दी से नोट करिए। मनीष बेटा एंड मतलब 2-3 महीने पहले आपकी बात समझा नहीं, मैं एक बार दोबारा लिखो, क्या कहना चाहते हो आप? अजीत बेटा अगस्त अटेम्प्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा, वो उस चीज के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर की लिस्ट बना के, टॉपिक की लिस्ट बनाकर दी हुई है, तो वो आप मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो फिर आप उसको वहां से आसानी से देख पाएंगे। मनीष आप 2-3 महीने बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे हो, एंड करने के लिए पूछ रहे हो, उसका डिटेल दे दीजिए मुझे एक बारी, आप क्या पूछ रहे हो, एक पूरा क्वेश्चन प्रॉपर लिखो अपना, बार बार आप शॉर्ट में लिख रहे हो, क्लियर नहीं हो रही चीज। आई गेस बेटा आप सबने नोट कर लिया होगा, अब मैं वापस लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, और अब यहाँ से हम अपने पास एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अपने पास आप सब हेडिंग लिख लीजिएगा, यस कोहिनूर के पास है बेटा, एक बार सबके साथ शेयर कर देना बेटा, हेडिंग लिख लीजिए अपने पास, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो पहले ना हम आपको सिखाएंगे बेसिक, वो बेसिक जो आपने कभी अपनी 12th में पढ़ा था, शायद अब आप भूल चुके होंगे, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा सब कुछ डिपेंडेंसी जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। क्योंकि यहां से आगे आप क्या करने वाले हैं, आप डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, और पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए आपने जो अकाउंट्स कभी 12th क्लास में बनाए थे वैसे ही कुछ बनाने हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा और आगे लेके जाना है क्वेश्चन को, कुछ और एक्स्ट्रा बातें आपको डिस्कस करनी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेस है, पिलर है, जो कि आपके बाकी टॉपिक्स को लेके बैठा है। तो बाकी टॉपिक्स को अच्छे से करने के लिए, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक इसके बाद ही आप समझ पाएंगे, वरना आपको समझ में ही नहीं आएंगे। तो बेटर इज कि आप इसके बारे में डिटेल में समझे मेरे साथ, और मैं आपको कुछ याद दिला दूं पहले, जो कभी आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था, सुना था या किया था। आपने क्या किया था बेटा, आपके पास एक बैलेंस शीट हुआ करती थी, जिस बैलेंस शीट में क्या दिया होते थे, एसेट्स, एक बैंक का बैलेंस, और कई बार यहां प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलता था। उसके अलावा यहां पर मिलते थे पार्टनर्स के कैपिटल, और कई बार यहां पे प्रॉफिट मिलता था, और उसके अलावा यहां मिलती थी लायबिलिटीज।
और मैं अपने पास यहां की अगर बात करूं तो इसके बाद हम बनाया करते थे अपने कौन से अकाउंट, हम बनाया करते थे रियलाइजेशन अकाउंट। ये नोट करना ना करना ये आपकी चॉइस होगी, मुझे आपको सिर्फ चीजों को याद दिलाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया करते थे, उसके अलावा आप एक बनाया करते थे बैंक अकाउंट, यहां बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, और एक और बनता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में जितने पार्टनर्स होंगे, दो होंगे तो दो कॉलम बनाएंगे, तीन होंगे तो तीन कॉलम बनाएंगे। अब याद करिएगा आपका क्या क्या करते थे आप लोग, आप एसेट्स को ट्रांसफर करते थे रिलेशन की डेबिट साइड में, इससे एसेट अकाउंट क्लोज हो जाया करता था। बैंक का बैलेंस आप बैंक अकाउंट में भेज दिया करते थे ब्रॉड डाउन की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फिक्टिशियस एसेट है, उसको आप यहां पर पार्टनर्स में लाकर डेबिट कर दिया करते थे। कैपिटल के बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस भी कहां पहुंचते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज वगैरह कहां जाया करती थी, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। मतलब आप सबसे पहला काम क्या करते थे, आप सबसे पहला काम करते थे आपके पास जो गिवन बैलेंस शीट होती थी उसको आप खाली कर दिया करते थे। बैलेंस शीट को खाली करना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इस सारे के सारे डिसोल्यूशन प्रोसेस का। डिसोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट को खाली करना होगा। मैं आगे इस वर्ड को बहुत बार यूज करूंगा कि चलिए बेटा पहले स्टेप के अंदर अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट को खाली कर दीजिए। बैलेंस शीट को खाली करने का मतलब आपके सारे के सारे बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में हैं वो उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ रिलेशन में आ जाएगा, कुछ पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, कुछ बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से। इसके बाद हम क्या करते थे, फिर हम बेटा एसेट्स को बेचा करते थे। एसेट्स को बेचने में पैसा आया करता था, उसकी एंट्री रिलेशन अकाउंट के थ्रू और कैश अकाउंट के थ्रू करते थे। हम पेमेंट्स की क्या नाम है लाइबिलिटीज की पेमेंट किया करते थे। लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए भी हम अपने पास रिलेशन अकाउंट और कैश अकाउंट को यूज करते थे। उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ खर्चे हुआ करते थे, रिलेशन करने के खर्चे, डिसोल्यूशन कराने के खर्चे, किसी पार्टनर को दिए या खुद बियर कराया, किसी और को पे किए, वो सारी एंट्रीज। और फाइनली हम निकालते थे रिलेशन का प्रॉफिट और लॉस, उसे पार्टनर्स में डालते थे, पार्टनर के बैलेंस को बैंक में डालते थे और बैंक हमारा टेली कर जाया करता था। तो कुछ इस तरह का काम आपने करा हुआ है। ऐसा ही काम आपको आज मैं दोबारा सिखाने वाला हूं, लेकिन हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, उसके पूरे स्टेप्स समझने वाले हैं। एग्जाम के अंदर देखो अभी तक तो नहीं हुआ कि जर्नल एंट्री आए, लेकिन आपको पता है लेजर करने के लिए जर्नल एंट्रीज का आना जरूरी है। तो जो भी अकाउंट्स आप बनाने वाले हो यहां पर इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो मैं सारे के सारे जर्नल एंट्री बेस्ड ही कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेटर तरह से बिल्डअप हो जाए। तो बेटा अपने पास में हमें पहले लिखवा दूं कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आप लिखना शुरू कर सकते हैं मेरे साथ अगर आप लिख रहे हैं तो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी विल प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स। कौन कौन से बनाएंगे बेटा, पहला जो अकाउंट बनाया जाएगा आपका वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आपका बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरे लिए आप के लिए एक सजेशन है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम सिर्फ तब बनाएंगे जब क्वेश्चन हमसे मांगेगा, इफ रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन। उसके अलावा बेटा फोर्थ आपको बनाना पड़ेगा कैश या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ आप अपने पास बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट के अलावा एक पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट में तब बनवाना चाहूंगा जब उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी। इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो मैं डायरेक्टली पार्टनर्स लोन के बैलेंस को रिलेशन के थ्रू या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी डाल सकता हूं। और बेटा सिक्स पॉइंट है मेरे पास जो मुझे करना है, वो बेटा क्या हमारे एसेट्स को कोई और भी खरीद सकता है? यस। तो एक और
बायर अकाउंट और बनाया जाएगा। बायर अकाउंट तब बनेगा जब एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय एनी अदर पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन। अगर हमारे एसेट लायबिलिटीज को कोई और लेकर गया कुछ कंसिडरेशन के बदले में, मान लो किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिए कि ये मशीन मुझे पसंद आ रही है आप मुझे दे दीजिए, ये एसेट में ये बिल्डिंग मुझे पसंद आ रही है मैं आपसे खरीद लेता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? इसके बदले में शायद वो कंपनी मुझे कैश दे दे, बैंक से पेमेंट कर दे, और क्या पता अपने शेयर्स भी दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक बायर अकाउंट आए। अच्छा, ये बायर अकाउंट वाली चीज आपके कभी 12th क्लास में नहीं थी, ये यहां पर पहली बार आपके सामने आने वाली है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बड़े जल्दी से नोट कर लीजिए एक बारी, मैं आपके सामने फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप नोटिंग प्रॉपर कर पाए। बिट्टू राज बेटा, हमारी सीए फाउंडेशन की क्लासेस ऑलरेडी होती हैं, उसके लिए आप हमारी जो एक और ऐप है सी ए आर के मेहता क्लासेस उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी सी ए फाउंडेशन की। सी ए आर के मेहता क्लासेस ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी सी ए फाउंडेशन के रिगार्डिंग। अजीत बेटा, बायर्स अकाउंट जरूरी नहीं है कि सेल ऑफ पार्टनरशिप पूरा हो, कुछ पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटीज भी टेकओवर हो सकते हैं, तो इन दैट केस भी आप बायर अकाउंट बनाकर काम कर सकते हैं। सो आई गेस आप सबने नोटिंग कर ली होगी। बेटा मैं आगे चलता हूं आपको लेकर। अब कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे मेरे साथ साथ, मैं हर एक एक स्टेप का पूरा पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, कौन सा अकाउंट कैसे बनेगा, कौन सबसे पहले क्लोज होगा, वगैरह वगैरह। तो बेटा टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस we should follow the following steps, कुछ following steps आपको follow करने होंगे। पहला step बेटा, transfer all the balances of assets and liabilities given in balance sheet to the accounts mentioned above in फॉलोइंग ऑर्डर। जो ऊपर मैंने आपको अकाउंट बताए हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इन बैलेंसेस को ट्रांसफर करना होगा, इन बैलेंसेस को ट्रांसफर करना होगा एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर क्या है बेटा मेरे पास, जो देखो ये यहां से शुरू हो गया क्या, स्टेप वन, ये स्टेप वन है। और अगर मैं बड़ी सिंपल तरीके से बोलूं तो ये क्या है, ये बैलेंस शीट को खाली करने का स्टेप है। बैलेंस शीट को खाली करना जो है यही हमारा स्टेप है। हिंदी कैसे लिखी उस पर मत जाना क्योंकि हिंदी अब लिखे हुए हो गए जमाना, ठीक है बेटा। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, ए पॉइंट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, ट्रांसफर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग बैंक ऑब्लिक कैश बैलेंस
एंड फिक्टिशियस एसेट्स। भाई आप अपने सारे के सारे एसेट्स लीजिए, इन गुडविल भी ले जाइए। याद करिए पार्टनरशिप के अंदर अगर गुडविल बैलेंस शीट में दी हो तो आप उसे क्या करते थे, आप उसे राइट ऑफ कर दिया करते थे। लेकिन यहां पर आपको राइट ऑफ नहीं करने के लिए बोल रहा है, यहां पर गुडविल का या सारे एसेट जो भी दिए हुए हैं, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस नहीं लेना, उसके अलावा कोई भी फिक्टिशियस एसेट आपको नहीं लेने हैं। बाकी सारे ट्रांसफर कहां करने होंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा आप इन्हें, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, इसके लिए जर्नल एंट्री होगी, सोचिए आपकी एसेट्स ट्रांसफर होकर जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसे क्लोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो तो एसेट को करना पड़ेगा क्रेडिट। और डेबिट में कौन आएगा, डेबिट में आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। बेटा जितने भी एसेट्स हैं, मैंने यहां पर सन्ड्री एसेट्स वर्ड लिख दिया है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, एनी एसेट कोई भी था वो यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होगा बेटा, बुक वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे गिवन था इन बैलेंस शीट उसी वैल्यू पे आप इसे ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर, रिलेशन अकाउंट के अंदर। इसकी नरेशन क्या हो सकती है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर फॉर रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। उसके बाद बी पॉइंट की बात करेंगे, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका जो अपने सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया। अच्छा इसके अंदर मैं इवन लिख देता हूं नोट बनाकर यहीं पर ही, सेपरेट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट विल बी ओपन। इसीलिए हमने कैश और बैंक को रिलेशन अकाउंट में नहीं डाला, पहला नोट। दूसरा, ऑल फिक्टिशियस एसेट्स विल बी रिटन ऑफ, विल बी रिटन ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से नोट करो बेटा एक बार इसे, ये लीजिए आपके सामने फुल स्क्रीन कर देता हूं एक बारी। सर बोथ ग्रुप्स अपेयर के लिए क्या सिंगल ग्रुप के लिए इंस्टीट्यूट को पहले से कंफर्म करना पड़ता है एग्जाम से थोड़े महीने पहले? बेटा मनीष अब आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, और उस एग्जाम फॉर्म के अंदर आपको मेंशन करना होता है कि आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं या बोथ ग्रुप देने वाले हैं। जनरली जो मे अटेम्प्ट होता है उसके लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो फरवरी मंथ की होती है, और जब आप नवंबर में एग्जाम देते हैं तो उसकी लास्ट डेट अगस्त मंथ की होती है। ऑल्दो इस वक्त पे सारी डेट्स हिल चुकी हैं, नवंबर मंथ्स के लिए कब डिटेल निकलेगी अभी कुछ नहीं कह सकते। उसमें सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप आप जो भी दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता है। अजीत कहता है सर इन केस ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप अगर बायर सारे एसेट इंक्लूडिंग कैश बैंक लेकर जाएगा तब कैश बैंक अकाउंट नहीं बनेगा ना? हाँ बेटा अजीत, अगर बायर सारा ही एसेट टेक ओवर कर लेता है तो फिर आपको कैश और बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, कैश बैंक भी बायर के साथ चला जाएगा। सो आई गेस बेटा कर लिया होगा सबने। नाउ अब आपके पास यहां पर जो पॉइंट आ रहा है, हमने बेटा क्या किया, हमने ए पॉइंट कवर कर लिया है, अब आते हैं बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट कहता है बेटा ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज। बेटा आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखना आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज टू
रियलाइजेशन अकाउंट, एट बुक वैल्यू। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो भी सारी की सारी आप बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बेटा लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको और इंक्रीज करते हो तो क्रेडिट करते हो, लेकिन आप तो यहां क्लोज करने की बात कर रहे हो तो इसको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपके लिए? आपके लिए एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पर ये कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर हुआ? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अब ये लायबिलिटीज की बात आई है तो मुझे बेटा कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपको बतानी है, ऑल्दो वो रिजर्व का पार्ट है, मैं अभी सी पॉइंट के साथ ही आपको वो क्लियर कर दूंगा उनके बारे में भी कि उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक बार मैं सी पॉइंट और लिखवा दूं। देखो, अभी हम कोई बेच रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं। बैलेंस शीट को खाली करने का मतलब यह है कि उसके अंदर दिए गए सारे के सारे बैलेंसेस को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ इसके बारे में एक तो नरेशन लिखवा दूं, और बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ नोट भी है मेरे पास इसको लिखवाने के लिए, क्योंकि जब मैंने आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात की है तो कुछ पॉइंट यहां पे बता दूं मैं आपको। इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर का लोन है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर लोन, देन सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ओपन। बट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इट विल बी डायरेक्टली पेड थ्रू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो अगर कुछ ना बोला हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं? पार्टनर्स लोन को डायरेक्टली बैंक से पे कर सकते हैं, और उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लीजिए, ये नोट भी कंप्लीट कर दिया है मैंने। नितिन लंबा, बेटा ये पूरा चैप्टर तो मैं उस पर नहीं डालने वाला यूट्यूब के ऊपर, हाँ, लेकिन मैं इंसॉल्वेंसी तक का टॉपिक कवर करने वाला हूं जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा रहेगा। स्वीडी नमस्ते, बेटा नमस्ते। तो चलिए आगे बेटा, ये तक आप सबने कर लिया होगा। मेरे दो स्टेप पूरे हो चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या किया अभी तक? मैंने आपको बैलेंस शीट खाली करने का स्टेप सिखाया है, और बैलेंस शीट खाली करने के स्टेप के अंदर आपकी दो बातें आई हैं। पहला, अभी तक आपको सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करने हैं वो बता दिया, सारी आउटसाइडर लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करनी है वो बता दी है। हाँ, कुछ पॉइंट मुझे आपको रोक के रखे हैं मैंने, किस चीज़ के रिगार्डिंग, रिजर्व्स वगैरह के रिगार्डिंग, या इन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड स्टेप के अंदर। सी पॉइंट बेटा, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट। Will be transferred to partner's capital account
विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे. क्या क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? देखो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि बैलेंस वहां पे आप क्या लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी कोई एंट्री तो नहीं आने वाली. उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स हैं, वो सारे कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो दिखा देता हूं मैं आपको. इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, एंट्री होती है बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, तो इन रिजर्व्स वगैरह को डेबिट करना पड़ेगा. उसके अलावा आपके कोई भी रिजर्व्स वगैरह हैं, अकाउंट डेबिट टू कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ठीक है, और रेशियो जो इनकी होती है वो पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई ओल्ड और न्यू रेशियो तो होती नहीं. और अगर इन केस ऑफ लॉस है या बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ रहे थे, मैंने उस वक्त पे लिखवाया था लेकिन एंट्री नहीं सिखाई थी, एंट्री यहां सिखा रहा हूं. इसके लिए क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. बेटा कोई भी फिक्टिशियस एसेट अगर है तो ये लीजिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ये आपकी सी पॉइंट की एंट्री है. और जैसे मैंने बाकी दोनों के अंदर भी नोट लिखवाया, मैं यहां पर भी एक नोट लिखवाना चाहूंगा. उस नोट के अंदर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि नोट क्या होगा आपके लिए. नोट है बेटा कि आपका जेएलपी रिजर्व जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व या फिर एंड IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स. दे विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्टली. मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बोल देता हूं, कोई भी जेएलपी रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या फिर कोई भी ऐसा रिजर्व है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से है, आप उसको पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, आप उसको ले जाकर रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, जो कि किसी को पे भी नहीं होता. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी को पे नहीं करते हैं आप, बट वो पैसा ऐसा है जो पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन वो रिलेशन के थ्रू होकर मिलेगा. रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया, मतलब वो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, प्रॉफिट से अपने आप पार्टनर्स के पास पहुंचेगा. लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ फ्री रिजर्व की हो सकती है, इन वाले रिजर्व की नहीं हो सकती. उसके अलावा इसी चीज से एक और पॉइंट निकलता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट है बेटा, सेकेंड पॉइंट किसका है आपको आता है, ऑल्दो ये मेरा रिजर्व का पार्ट नहीं है लेकिन ये मेरे एसेट्स में से डिक्रीज होता है और इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका क्या होता है याद होगा आपको, इट विल ऑल्सो क्रेडिटेड कहां क्रेडिट करते हैं बेटा, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में. इसे कहां क्रेडिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर. और बेटा इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एक पूरा इसका बनाकर. बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन होता है बेटा, डेटर्स गिवन होते हैं 1,00,000 के, उसमें से हम माइनस करते थे क्या प्रोविजन, लेट से 5,000, नेट वैल्यू कितनी 95,000. और अब आप जब बनाएंगे अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पर लिखा जाएगा डेटर्स कितने से, 95 से नहीं, 1,00,000 रुपए से. और उसके अलावा यहां पर लिखा जाएगा क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से, 5,000 रुपए से. तो ये वाला यहां पहुंचेगा और ये वाला यहां पहुंचेगा. मैं 95 क्यों नहीं लिख सकता, सोच के देखिए. अगर मैं 95 लिख देता हूं तो मैंने ये बात मान ली है कि मेरे डेटर्स आज 95 के ही हैं, जबकि 5,000 रुपए अभी तक मेरा डूबा नहीं है. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं
मान रहा हूं कि 5000 रुपए तक डूब सकता है लेकिन डूबा नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने पास यहां पर 5000 रुपए को रिलेशन में क्रेडिट साइड डालता हूं। क्रेडिट साइड डालने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप अब रिलेशन प्रॉफिट की फॉर्म में पार्टनर्स के अंदर पहुंच जाएगा। बेटा मैं उधर से स्क्रीन को ऊपर करता हूं, अगर कुछ पेंडिंग पार्ट हो तो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। मैं देख लेता हूं बच्चों के कुछ डाउट्स वगैरह भी अगर आए हैं तो वो भी हम डिस्कस कर पाएंगे। ये लीजिए बेटा एक बार आपके सामने ये रहा पूरा का पूरा। थैंक यू नितिन बेटा। एडवांस अकाउंट्स का भी मैराथन अभी एग्जाम के अगर कंफर्मेशन आ जाएगी तो उसके बेसिस पर होगा, हो पाया तो जरूर बनाएंगे आपके लिए। आई फूड बेटा पेन ड्राइव क्लासेस की आपकी खत्म होने वाली है बेटा, वो अब मेरे हाथ में नहीं है बेटा, वो मेरे पुराने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई अवेलेबल नहीं है। श्रेष्ठ बेटा व्हाट अबाउट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? बेटा अगर उसके अंदर बच्चे ने बिल्कुल अच्छा पॉइंट पूछा है, बिल्कुल श्रेष्ठ बेटा आपके पास जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर लायबिलिटी का पोर्शन दिया गया है तो लायबिलिटी वाला पोर्शन जाएगा रिलेशन अकाउंट के अंदर, और उसके अलावा जो बाकी वाला पार्ट बचता है वो जाएगा रिजर्व वाला पार्ट, वो जाएगा पार्टनर्स के अंदर, अगर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो। अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आप डायरेक्टली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो, क्योंकि ये जेएलपी रिजर्व और आईएफआर की इन्फॉर्मेशन होती है इसीलिए रिलेशन अकाउंट में जाते हैं। अगर WCR की भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी रिलेशन अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो डायरेक्टली आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। आई होप यहां तक का पॉइंट सबने नोट कर लिया हो बेटा। मेरे स्टेप वन के तीन पॉइंट हो चुके हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट में सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया, बी पॉइंट के अंदर सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, आउटसाइडर लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, और सी पॉइंट के अंदर आपने क्या किया, आपने किया अपने पार्टनर्स के कैपिटल प्रॉफिट लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या अभी कोई अकाउंट बचा है? देखिए सोचिए, एसेट्स खत्म, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स खत्म, उसके बाद कैश और बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाना सिखा चुका हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लायबिलिटी साइड में आए, आउटसाइडर लायबिलिटी सारी खत्म हो चुकी है, पार्टनर्स लोन के बारे में बता चुका हूं, पार्टनर्स लोन के बारे में क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल और उसके अलावा पार्टनर के रिजर्व, प्रॉफिट लॉसेस फिक्टिशियस, उन सब के बारे में बता दिया। एक छोटा सा पॉइंट मेरे पास बचा हुआ है, इनकेस डी पॉइंट बेटा, इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर, बहुत ध्यान सुनना, इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस हो, याद है आपको करंट अकाउंट के बैलेंस, हमने दो तरह के मेथड पढ़े हैं आपने जब हम पहले 12th क्लास में पढ़ते थे, और दो मेथड के अंदर बेटा दो मेथड क्या थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता था, कैपिटल अकाउंट। तो जब ऐसी सिचुएशन आए जहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दिए हों, तो अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो लिखा ही जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से करंट अकाउंट में बनाऊं या ना बनाऊं ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन अगर आपसे करंट अकाउंट का बैलेंस का, करंट अकाउंट का अकाउंट मांग रहा है, करंट अकाउंट मांग रहा है, तो आप करंट अकाउंट बनाइए, और सारा प्रोसेस जो भी रिजर्व का हुआ, प्रॉफिट का हुआ, लॉसेस का हुआ, फिक्टिशियस एसेट्स का हुआ, जो भी कुछ हुआ वो सारा का सारा करंट अकाउंट में डालिए, और डिसोल्यूशन होने से पहले करंट अकाउंट के फाइनल बैलेंस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका, सर क्वेश्चन ने हमसे पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं मांगा, तो बेटा इनिशियली जो बैलेंस दिए हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट के, उनको उसी वक्त कहां ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। बात समझ में आई? तो डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट मांगता है तो सब चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लेके जाओ, फिर उसके फाइनल बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करो। लेकिन अगर क्वेश्चन करंट अकाउंट नहीं मांगता है तो बेटा फिर आपकी मर्जी है, मैं तो कहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट से ही कैपिटल में डाल दो। क्यों यार, फर्म बंद हो रही है, करंट अकाउंट अलग से मेंटेन करके क्या करोगे, जब फर्म को बंद ही करना है तो सारी चीजों को उठाकर कैपिटल में पहले ही डाल दो,
बाद में भी तो कैपिटल में ही डालना है ना, तो पहले ही वहीं डाल दो ताकि पॉइंट वहीं से खत्म हो जाए। तो मैं इसके लिए रिगार्डिंग नोट लिखवा रहा हूं, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट। इन दिस केस रिजर्व्स प्रॉफिट्स लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स ऑल्सो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। एंड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल द बैलेंसेस ना लिखकर ऑल द एडजस्टमेंट्स वी विल ट्रांसफर फाइनल बैलेंस of current account to partners capital account। तो ये पूरी कहानी करंट अकाउंट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन ने करंट अकाउंट मांगा है। और नोट क्या है, इफ क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर्ड देन balance of partner's current will be transferred to partner's capital account। ये लीजिए, तो ultimately ये आपके सामने बनता है इस चीज का pattern कि भाई आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को लेकर क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं आपके सामने एक बार फुल कर देता हूं ताकि आप इसको पूरा आसानी से नोट कर पाओ। और बेटा इसी के साथ हमारा जो स्टेप वन है वो भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। स्टेप वन के अंदर आपने बेसिकली क्या किया है, स्टेप वन के अंदर आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी है। पूरी की पूरी बैलेंस शीट आप क्या कर चुके हो, खाली कर चुके हो। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई बैलेंस नहीं बचा है। और ये आपका स्टेप हर क्वेश्चन में आने वाले पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन के अंदर काम आने वाला है। इसलिए देख लो कि मैंने बहुत डिटेल में लिखवाया है आपको, ताकि आपका जब भी आप रिवीजन करो तो एक एक चीज आपके सामने लिखी हो और आपको पता हो उसके बारे में। आई गेस यहां तक सब कर चुके हैं, तो मैं क्या आगे चलूं, मैं अपना स्टेप टू उठाता हूं बेटा। आप स्टेप टू के बारे में बात करेंगे बेटा। अब हमारा स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू कहता है बेटा कि आपको करना होगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट, मतलब आपको अब एसेट्स को बेचना होगा। जो भी एसेट्स आपके पास हैं, जो आप रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, उन सबको रियलाइज करिए, बेच दीजिए। अब बेचने के लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं बेटा। ए पॉइंट सबसे पहले, कैश रियलाइजेशन ऑफ एसेट,
बेटा कैश का मतलब यहाँ एसेट्स का बैंक के थ्रू भी है बेसिकली, इसे मैं बोल सकता हूँ सेल ऑफ एसेट। तो बेटा अब आप मुझे बोलिए, अगर आप एसेट को बेच रहे हैं तो पैसा आएगा और एसेट जाएगा, लेकिन एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था जब आप उसे रिलेशन में डाल चुके थे, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? जो सेल वैल्यू थी, जिस वैल्यू पे आपने इसे बेचा, या मार्केट वैल्यू जो भी आप इसे बोल सकते हैं, वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। बीइंग एसेट रियलाइज्ड इन कैश, बीइंग एसेट रियलाइज्ड इन कैश। बी पॉइंट बेटा, एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, एसेट जो है वो कोई पार्टनर लेके चला गया। जब कोई पार्टनर लेके चला गया तो पैसा किससे मांगेंगे? हम पार्टनर से मांगेंगे। तो कैश और बैंक की जगह कौन आ जाएगा? फिर आपका पार्टनर आ जाएगा। तो फिर एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा डिटेल में लिखवा दिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो सारी एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट के अंदर ही होंगी इन दैट केस। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इन केस अगर करंट की कहानी हुई तो करंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कौन सी वैल्यू पे है? ये बेटा अग्रीड वैल्यू पे है। अग्रीड वैल्यू का मतलब जो भी सेल प्राइस फिक्स किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग। बी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है ना? तो बेसिक बेसिक सी सिंपल सिंपल सी बातें, पहला पॉइंट कैश रिलेशन का, दूसरा पॉइंट पार्टनर का टेक ओवर हुआ, और तीसरा पॉइंट एसेट टेकन ओवर बाय एनी बायर। कोई कंपनी आई, उसे हमारी मशीन पसंद आ गई, उसे हमारी बिल्डिंग पसंद आ गई, इस तरह की चीजों को हमने अब क्या किया, बेसिकली अब हमने बायर को ट्रांसफर कर दिया। तो हमें अब पैसा किससे मांगना है? अब हमें बायर से मांगना है। तो यहां पर फिर अब आप बायर को डेबिट करेंगे, बायर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री कभी 12th क्लास में नहीं पढ़ी है आपने, ये यहां पर पहली बार आई है। तो बायर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, इस तरह की एंट्री आ गई। और यहां पर फिर से आपका क्या आएगा? जो परचेज कंसिडरेशन है, बेसिकली मार्केट वैल्यू ही है ये भी, लेकिन नाम अलग अलग से आ रहे हैं। एक आपकी बड़ी फेवरेट एंट्री हुआ करती थी, एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय, किसने टेक ओवर कर लिया? क्रेडिटर्स या फिर कोई लायबिलिटी होल्डर लेके चला गया। याद आया? और आपको याद भी होगा एक वो गाना भी जो आप गाया करते थे, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। यानी कि इस केस के अंदर आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी होगी, क्योंकि इस चीज के अंदर आपके पास एसेट जो है वो लायबिलिटी वाला लेकर चला गया है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। क्या केस बन सकते हैं? ये नो एंट्री वाला काम कब होगा? जब फुल सेटलमेंट में टेक ओवर होगा। मतलब एग्जाम्पल देखना, देखो एग्जाम्पल से पूरा केस ना इतना क्लियर हो जाता है कि आपको क्लैरिटी आ जाती है प्रॉपर तरीके से। तो आपके सामने यहां पर मैं बेटा इसके रिगार्डिंग डाउट भी ले लूंगा आप लोगों के जो भी डाउट होंगे। एक बच्चे का डाउट आया हुआ है वैसे, सर बायर और वेंडर सेम है क्या? बेटा बायर खरीदने वाला और वेंडर बेचने वाला। तो आप इस वक्त पे आप वेंडर हो, बायर वो है जो खरीदने आया। फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, आप उसको बेच रहे हो, तो इस वक्त पे आप सेलर वेंडर हो और जो सामने वाला पर्सन है बायर वो वेंडी है। तो इस तरह से अलग अलग चल रहे हैं। हाँ बेटा, मेरा एग्जाम्पल चल रहा था। बेटा एग्जाम्पल ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के,
और क्रिएटर हमारी मशीन लेकर जा रहा है 120,000 की इन फुल सेटलमेंट। क्रिएटर ने 120,000 की मशीन ली और फुल सेटलमेंट मिली, तो बेटा अब नो एंट्री होगी। जहां पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा आ गया वहां पर नो एंट्री होगी, अदरवाइज नो एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री कब आती है? जब आपकी फुल सेटलमेंट की कहानी आती है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, बेटा क्रिएटर थे 100,000 के, मशीन थी 150,000 की, और इसको क्रिएटर ने रिलाइज कराया और रिलाइज कराकर मिले 120,000 रुपए, और यहां पर लिखा हुआ है नो फुल सेटलमेंट। मतलब आप मेरी एसेट लेके जा रहे हो 150,000 रुपए वाली, उसे बेचकर 120,000 मिले हैं, आपके खुद के कितने हैं? 100,000 काटो और मेरे 20,000 वापस दो। तो यहां पर एक एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और वो कितने से आएगी? 120,000 माइनस 100,000 कितना आ गया बेटा? यहां आ गया 20,000 रुपए। क्लियर है यहां तक की बात? और बेटा थर्ड केस, क्रेडिटर्स हैं 100,000 के, मशीनरी है 150,000 की, इसको क्रेडिटर ने रिलाइज कराया सिर्फ 90,000 रुपए मिले। अब कितने का बेचा? 90,000 का। फुल सेटलमेंट है क्या? नहीं। 10,000 रुपए क्रेडिटर को क्या अभी भी देने हैं? यस। यहां पे मैं लिख देता हूं नो फुल सेटलमेंट। तो इन दैट केस बेटा अब आप पेमेंट करोगे और एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने से? 100,000 माइनस कितना? 90,000। कितना बचा? 10,000। ये है आपके सामने पूरा का पूरा। अब आप मुझे बताइए इस चीज के रिगार्डिंग, इस एग्जांपल के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर करो कि हाँ सर ये वाला डाउट है हमारे लिए। और जो हमारा एक लास्ट नोट है इस चीज के रिगार्डिंग, इस चीज के रिगार्डिंग तो नहीं, हमारे बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट देन We always assume as that asset has nil realizable value. मतलब अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि एसेट कितने की बेची जाएगी तो आपको वो बेचनी भी नहीं है, भूल जाओ उसे, इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा आपको वैल्यू देता है। और अगर इन केस ऐसा एग्जाम में हो कि किसी की वैल्यू ना लिखी हो तो ये अजम्पशन डाल के लिख देना कि वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं थी, तो हमने ये माना है कि वो नहीं बिक पाई होगी। क्योंकि देखो ये कोई नॉर्मल बिजनेस पीरियड तो है नहीं, बिजनेस बंद हो रहा है। अब कोई एसेट बिकती है कोई एसेट नहीं बिकती है, मजबूरी में आपको कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है, लेकिन अमाउंट तो मिलना चाहिए ना। अगर अमाउंट नहीं मिल रहा है तो आप उसको उसकी बुक वैल्यू पे नहीं बेचेंगे, उसको इग्नोर कर दीजिए कि वो नहीं बिकी जी हमारे लिए, उसकी अजम्पशन आप डाल देंगे। तो बेटा मेरा स्टेप टू कंप्लीट हो गया है। स्टेप वन जो मैंने कंप्लीट कराया आपको वो क्या था? बैलेंस शीट को खाली करना। दूसरा एसेट्स को बेचना। बैलेंस शीट को खाली करने के अंदर आपने कुछ चार पॉइंट्स लिखे, ए बी सी डी, एसेट्स को ट्रांसफर, लायबिलिटीज को ट्रांसफर, रिजर्व प्रॉफिट्स को ट्रांसफर, कैपिटल को ट्रांसफर, करंट अकाउंट को ट्रांसफर वगैरह वगैरह। और फिर आपका आया एसेट्स को बेचने वाला पॉइंट, और एसेट के बेचने वाले पॉइंट के अंदर आपने डिस्कस किया अपने एसेट को कैसे कैसे बेचा जा सकता है, कैश में, बैंक में, आपके पार्टनर ले जाएं या उसके अलावा आपके बायर ले जाए, और अगर क्रिएटर ले जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया जिसके अंदर आपके पास तीन तरह के एग्जाम्पल मैंने कराए हैं कि अगर कोई एसेट लेके जा रहा है क्रेडिटर तो क्या एंट्री करते हैं। तो आपके सामने है, एक बारी देख लीजिए। अगर आपको कुछ नोटिंग वगैरह करनी है तो मैं आपके सामने फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा।
चलिए बेटा, तो आई गेस सबने कर लिया होगा। मैं अपने पास अब आपको थर्ड स्टेप पे लेके चल रहा हूँ। हमारे दो स्टेप पूरे हो चुके हैं और हमारे अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। स्टेप थ्री किस चीज़ का बेटा? स्टेप थ्री है बेटा आपका पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। आपने एसेट्स को बेच दिया, अब थर्ड स्टेप है आपके पास पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए। और यहाँ पे बेटा वही चारों पॉइंट्स का डिस्कशन होगा जो हमने अभी एसेट्स के रिगार्डिंग किया, सिमिलर पैटर्न पे। हाँ, यहाँ पर हम पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी करेंगे। ए पॉइंट बेटा, लायबिलिटीज पेड इन कैश बाय फर्म। लायबिलिटीज की पेमेंट फर्म ने कर दी है कैश में। क्या एंट्री करेगी बेटा फर्म? पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और रिलेशन से जाएगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पेड। और बेटा ये जो लायबिलिटी पेड होंगी, ये कौन सी वैल्यू पे होंगी? ये जो आपकी अग्रीड वैल्यू थी, आपने जो अग्रीड वैल्यू रखी थी अपने उसके लिए, वो फाइनली यहां पर अग्रीड वैल्यू के बेसिस पे पे होगी। उसके अलावा बेटा क्या हो सकता है? यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, बिल्कुल सेम। वहां पर एसेट्स के बारे में सेम बातें हुई थी, यहां पे लायबिलिटीज के बारे में सेम बातें हो रही हैं। अब सी पॉइंट आ गया है बेटा, लायबिलिटी कौन लेकर गया? लायबिलिटी टेकन ओवर बाय बायर लायबिलिटी क्यों लेके जाएगा? बेटा बायर लायबिलिटी तब लेके जाएगा अगर कोई एसेट के साथ अटैच लायबिलिटी हो। मान लीजिए बायर ने आपकी एक मशीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग मशीन पे लोन चल रहा था, और वो लोन भी वो साथ में लेके गया कि लोन की पेमेंट भी मैं कर दूंगा, तुम मत करो, चलो टेंशन छोड़ो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन भी गई और उसका लोन भी गया, तो मशीन वाला पार्ट एसेट में कवर हो गया, लोन वाला पार्ट यहां कवर हो जाएगा। तो यहां पे बेटा यहां पे एंट्री क्या होगी? फिर से रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बायर। फिर से वही चीज है, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह पे वही बात आएगी कि जो अग्रीड वैल्यू थी वो ही आपको लेनी है, जो अग्रीड वैल्यू थी वो ही आपको लेनी है। क्लियर यहां तक की बातें? यहां तक कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट से? डी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। डी पॉइंट के अंदर क्या करेंगे? एसेट चला गया था, उसके अंदर चार बातें आई थी, कैश की, पार्टनर की, बायर की और एक क्रेडिटर की। यहां पर लायबिलिटीज पे आ गए, तीन बातें आ चुकी हैं। कौन कौन सी आ गई? कैश की आ गई, कैश पेमेंट की, पार्टनर पे कर रहा था, हम पार्टनर को दे देंगे, बायर लेके जाएगा तो बायर के साथ सेटलमेंट करेंगे। और अगर फिर से इफ एनी लायबिलिटी इज एडजस्टेड अगेंस्ट एनी एसेट, तो बेटा सेम पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। बेसिकली मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पहले मैं वही गाना गाऊंगा फिर से, हमारा वाला कौन सा, नो एंट्री वाला, और सेम एज पॉइंट नंबर डी ऑफ स्टेप टू। जो डी पॉइंट आप स्टेप टू में लिख के आए हो, वही डी पॉइंट सारे के सारे यहां अप्लाई कर जाएंगे। वो तीन केसेस, फुल सेटलमेंट, उसके अलावा ज्यादा पेमेंट आ गई या कम पेमेंट आ गई, उसके अकॉर्डिंग पैसा लेना या देना, वही एंट्री रहने वाली है अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसके अंदर आपस में तो एडजस्टमेंट हो रही है। और जो नोट मैंने जैसे वहां पर सब में लिखवाया, एक और नोट यहां पर भी है लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज,
देन ऑलवेज अज्यूम लाइबिलिटी शुड बी पेड. भाई एसेट को रिलाइज नहीं करा लेकिन लाइबिलिटी वाला गेट पे आगे खड़ा होगा पैसे मांगने के लिए, तो लाइबिलिटी शुड बी पेड एट बुक वैल्यू. लाइबिलिटी शुड बी पेड एट बुक वैल्यू. क्वेश्चन ने नहीं बोला आपको तब भी करना होगा, लाइबिलिटी की पेमेंट होती है आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला. तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज देन लाइबिलिटी शुड बी पेड एट बुक वैल्यू. बताइए बेटा यहां तक किसी को कोई भी डाउट वगैरह है? मैंने तीन स्टेप करा दिए हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री. आप मुझे बता दीजिए क्या इस चीज को लेकर आपको कोई डाउट वगैरह है तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे अपने साथ. कोहिनूर खत्री सर ये 2000 रुपए के नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ बेटा पैसा अगर हाथ में है तो इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए तो अभी तक कोई डाउट वगैरह नहीं आ रहा है तो हमारे तीन स्टेप पूरे हो गए. बेटा बहुत डिटेल में लिखवा रहा हूं स्टेप्स को, ध्यान रखना इन स्टेप्स का. ये डी पॉइंट है बेटा, इन स्टेप्स का लॉजिक बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो एंट्रीज याद नहीं रहती, आप भूल जाते हो. तो इसीलिए बेसिक बेसिक एंट्रीज पे आपको पूरा फोकस करना होगा. जितना बेसिक एंट्रीज पे फोकस करोगे उतना एग्जाम के लिए आसानी हो जाएगी आपके करने के लिए. ठीक है. यस सुनील बेटा बात ये है, सारी गेम ही पैसों की है. हर इंसान किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे. कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी क्या टेंशन है, पैसा कमा लें. आप भी इसीलिए पढ़ रहे हो, मैं भी इसीलिए पढ़ा रहा हूं, अल्टीमेटली सबको पैसा ही चाहिए. चलिए तो बेटा फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, किसने पे किए, कब पे किए, किसके बिहाफ पे वे किए, ये सारे के सारे ये स्टेप फोर के अंदर बात कवर हो जाती है. ये हमारा बेसिकली स्टेप फोर आ गया है. अब स्टेप फोर के अंदर बड़ा बड़ी कॉमन सी और नॉर्मल सी बात है कि अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो खर्चा भी पार्टनरशिप फर्म को ही बियर करना चाहिए. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर होता है वो यही होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म. रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, या फिर सिंपल अगर रिलाइजेशन एक्सपेंसेस वर्ड भी लिखा है तब भी यही मानना, कि अगर सिंपल रिलाइजेशन एक्सपेंस भी लिखा है तब भी यही मानना कि भाई हमें तो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने ही करने और फर्म ही पे करेगी. तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जहां से भी आप पेमेंट कर रहे हैं. बी पॉइंट बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पे कर दिए हैं तो बेटा हमें पैसा पार्टनर को देना पड़ेगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर. भाई खर्चा तो फर्म का है, फर्म को ही बियर करना चाहिए, लेकिन पार्टनर कहता जी मैं पे कर देता हूं और मैं ही बियर कर लूंगा, आप छोड़ो भूल जाओ. ठीक है,
अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर होगा नो एंट्री, क्योंकि अब अगर पार्टनर ही बियर करने को तैयार है तो फिर फर्म को अपने एंड पे इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। और एक डी पॉइंट है इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है आपका, क्या है बेटा डी पॉइंट, डी पॉइंट आपसे ये कहता है इफ फर्म मेड एन एग्रीमेंट